मैं बता दूं, ये जो आगे जो आदमी बैठा हुआ है ये, हाँ यही शैलेश परमार, हाँ मैम, यही वो व्यक्ति है जिसने दो दिन से एक बंदे को ना भूखा मार रखा है। ये आदमी ऐसा चला रहा है। हाँ मेरे भाई, कर लिया क्लिक एक्सीडेंटल व्लॉग देख के, तो आपको भी इस बात की चुल मची होगी भाई इस व्लॉग में क्या एक्सीडेंट हुआ है। सो इस व्लॉग में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और किसके साथ हुआ है? अपने चाचू के साथ हुआ है। आप लोग कहते हो ना चाचू व्लॉगिंग कब करेंगे, तो भाई कर ली चाचू ने व्लॉगिंग, और ऐसी व्लॉगिंग की है कि आप लोग को बहुत मजा आने वाला है और आप लोग कमेंट भी करने वाले हैं डैम श्योर। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि ये व्लॉग बहुत नेक्स्ट लेवल का जाने वाला है। भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ऑल इज़ फनी। चाचू बताएंगे भाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और क्या हुआ है, क्योंकि इस व्लॉग में इतना बड़ा ट्विस्ट है ना इनके साथ जो जो हुआ है ना भाई, मैं भी मतलब यकीन नहीं कर रहा था कि यार आप। चाचू का एक ऑफिस से टूर गया था, ऑफिशियल टूर था, इनकी पूरी टीम गई थी वहाँ पे लोनावाला साइड में, और भाई वहाँ जाके इन लोगों ने जो मस्ती की है वो मस्ती भी थी और ये परेशानी भी हुए। तो भाई कैसे हुए और क्या हुआ था वो चाचू बताएंगे। सो गाइस पूरा का रुको सो हे गाइस वेलकम बैक टू शुरुआत कुछ ऐसी होती है टूर की कि हम लोग ट्रेवल शुरुआत करते हैं गाड़ियों के साथ में, एक काफिला निकलता है एक बहुत प्यारी सी डेस्टिनेशन की तरफ, और मन में ऐसा ख्याल चल रहा होता है कि बहुत सारा एंजॉयमेंट होने वाला है, पूरी टीम साथ में होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमाल करेंगे, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें सोच के जाते हैं। और वहाँ जाकर के जो लोकेशन पे पहुँचते हैं हम, तो वहाँ पहुँचते ही एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग हो जाता है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लगता है कि यार सब एक्सीडेंटल घटनाएं जो है वो हमारे साथ ही हो रही हैं। तो गाइज बने रहिए आज के इस व्लॉग में, और मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग का पहला क्लिप, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो अनप्लान था। मतलब मन में एक चुल हमारे भी मची कि भाई क्यों ना हम भी व्लॉगिंग करें कावे की तरह, तो करके देखी और फाइनल तू हंसेगा नहीं समझा, क्लिप्स देख के हंसी आ रही भाई क्या हुआ इनके साथ। गाइस ट्रेवल के साथ में शुरुआत होती है, तो ये है हमारा क्लिप नंबर 1, और आज आपको पता लगेगा कि एक्सीडेंटल व्लॉग एग्जैक्टली होता क्या है। तो भाई हर बंदा व्लॉग चालू करता है ना, तो सबसे पहले इंट्रो बोलता है या बिहाइंड द सीन जो भी उसके जो मतलब अट्रैक्टिव सीन्स होते हैं ना वो दिखाते हैं, और ये भाई साहब दिखाते हैं ट्रेवल। और ट्रेवल में भी जब फोन उन्होंने पकड़ा तो वो क्या बोल रहे हैं, जब उन्होंने फोन होल्ड किया तो क्या बोल रहे हैं कि फोन गिरेगा आराम से, इनको बोल रहे हैं कि ड्राइविंग आराम से करो फोन गिरेगा, और कैसे गाने गाते हुए जा रहे हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है इनके साथ, आगे आगे देखो क्या होता है। जैसे करके ये लोग वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में चाचू देखो व्लॉग की स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं। भाई अब से अपने भी वैसी स्टार्टिंग किया करेंगे, इतनी अच्छी स्टार्टिंग किया चाचू ने, दिल खुश कर दिया भाई, देख लो हंस नहीं रहा हूँ मैं भाई, अच्छा बोल रहा हूँ। हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द काव्य दादीज व्लॉग्स, और आज का व्लॉग जो है दोस्तों बहुत खास होने वाला है। हम आए हुए हैं एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, और ये डेस्टिनेशन कुछ ऐसी है जहां पर आपका जो दिन है वो देखते ही बन जाता है। गाइस मैं ऐसी वादियां हैं यहां पर चारों तरफ जहां पर हम लोग आए हुए हैं, कुछ इस तरह का व्यू, और इनको देख लो शैलेश भाई को, ये चाय पे चाय पिए जा रहे हैं यहाँ पर। शैलेश भाई कौन सा कप है, कितनी चाय पी ली अभी तक सुबह से? बस ये पहली है और दो तीन पीनी है, खाली चाय ही अच्छी है और कुछ अच्छा है। अच्छा तो शैलेश भाई बोल रहे हैं खाली चाय ही अच्छी है, बाकी और कुछ अच्छा है नहीं, और चाय पिए जा रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। चलिए मिलते हैं शैलेश भाई से, मैं आपको एक बार पूरा टूर करवा दूँ यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या सुख सुविधाएँ, भौतिक सुख सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही हैं हमें, किस तरह का ऐशो आराम लग्जरी। अब विजय भाई का चेहरा मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, विजय भाई का चेहरा देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के भौतिक सुख संसाधन जो होते हैं वो है यहाँ पर। देखो हंस रहे हैं विजय भाई। तो गाइज कुछ इस तरह का व्यू है, हम सुबह जल्दी उठ गए थे और उठने के बाद एक के बाद एक तैयारियां चल रही हैं, जितनी जो गाड़ियां आई हुई थी वन बाय वन सब गाड़ियां निकल गई हैं, और पायल कुछ सर्व कर रही हैं। पायल क्या लाए हो आप?
कॉफी नहीं, मैं मांगने नहीं वाला, मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे नहीं मिले बाबा। पायल के चेहरे से क्या लग रहा है आपको? पायल के चेहरे पे बड़े ऐसे मतलब आनंद वाले भाव दिख रहे हैं मुझे। अब ये आनंद किस तरह का है वो पायल खुद बयां करेगी। सत्तूपा जी भाई इधर लाइट जा रही है बार बार। ओके सोने नहीं मिला है, नहाने मिला मैडम, पानी मिला नहाने के लिए। कैप्चर करो अच्छे से। ठीक पानी मिला मेरे को नहाने के लिए। इसको बोलते हैं फीडबैक। ये होते हैं गाइस जेन्युइन जो रिव्यूज होते हैं वो ये होते हैं। विजय भाई का मैंने आपको दिखाई दिया, हमारे आशीष भाई है यहाँ पर, रितिका का भी आशीष भाई को दिखाया हूँ। सत्तू पाजी ये बंदा आ बंदा वीर जी जदों का बैठा है ना, मैं दसा तुहानू जिन्ने भी जेडे मेरे वीर पंजाब वाले वेख रहे गए एने एने प्रभा, मैं दसा तुहानू बीप बीप डालनी पऊ मैनू इनका फीडबैक। और हमारे बीच ब्यूटीफुल रितिका आई है, जस्ट अभी रितिका ने ज्वाइन किया। गाइज एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये पूरा एक ऑफिस टूर था जहाँ पे हम लोग आए हुए थे और ये हमारी, हाँ ये आशीष भाई ने बहुत बढ़िया टूर गाइड थे आप हमारे। तो फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड चेंज कर दिया घर वालों ने और चाचू का बैकग्राउंड अब चेंज होने वाला है और आज आप लोग को पता लगने वाला है, क्योंकि चाचू को तो पता लग गया था कि ये लोग जो मतलब अपना जो स्लोगन चला हुआ ना सेव वाटर, सो पानी को क्यों बचाना है, इन लोग को तो समझ आ गई और आज आप लोग को भी आ जाएगी। सो इस व्लॉग को पूरा देख रहे हैं और व्लॉग की स्टार्टिंग डे टू की कैसे होती है आंख मसलने से। भाई चाचू ने बिल्कुल नेचुरल व्लॉग बनाया है और आगे से आगे देखो इनके साथ क्या होता है, क्या होता है थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो। गाइज मैं थोड़ी सी भावनाएं बता दूं आपको कि आप नहाने की तैयारी में हैं और कैसा हो कि आप बिल्कुल नहाना चाह रहे हैं पूरा रिलैक्स होकर के, आपके सामने एक नहाने के लिए बड़ा सा टब रखा हुआ है और बहुत मजे से नहाए ये लोग। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कावेद आदिश व्लॉग्स। एक नई सुबह की शुरुआत उसी जोश और उत्साह के साथ तो नहीं कहूँगा, फिलहाल तो आलस के साथ शुरुआत हो रही है। गाइस उठा हूँ जस्ट अभी, चाय वाय पीते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, क्या मस्ती हो रही है और फिर चाय वाय पी के ब्रश वश करके फ्रेश होके फिर मैं वापस आपको देता हूँ लाइव। आज दिखाता हूँ कहाँ आए हुए हैं, बिल्कुल बीहड़ सुनसान एक ऐसी जगह है, आप लोगों ने अपने सपने में भी सारा सोचना बहुत दूर की बात है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी मैं आऊँगा ऐसी जगह पर। गाइस कल रात की कहानी बताऊँ, इस रूम के अंदर मैं शैलेश भाई और विजय भाई हम तीन लोग थे। विजय भाई भाई जो खराटे लेते हैं भयंकर, मतलब मेरे पास दूसरा कोई सानी नहीं है विजय भाई के खराटों का, भयंकर खराटे लेते हैं भाई। और इधर भारत पाकिस्तान की युद्ध छिड़ गया, यहाँ शैलेश भाई बराबर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, बीच में सोया हुआ था मैं, तो गाइज आपका भाई ऐसा पिस गया दोनों के बीच में, खराटों के बीच में नींद पूरी हो नहीं पाई और आँखों में अभी भी आप देख सकते हो रेडनेस दिखेगी, आँखें लाल हो रखी हैं, सो नहीं पाया अच्छे से। और बस मैं क्या ही बताऊं यार, आज का मंजर तो बहुत भयंकर तरीके से खराटे देखे मैंने भाई। सो गाइस कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर सुबह सुबह, हमारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ और पानी आ नहीं रहा है इधर। जलंता वेलनेस रिसोर्ट के नाम से इस जगह को जाना जाता है, बहुत ही एकांत बीहड़ के अंदर लोकेटेड है, मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। रात को देर रात को जंगली जानवरों की आवाज़ें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है यहाँ पर, मैं दिखा दूँ आपको पूरा का पूरा व्यू। हमारा जो बाथ टब है ये शैलेश भाई इधर पानी, ओ बाप रे अंदर तो पानी पानी हो रखा है शैलेश भाई, यहाँ नहीं वहाँ देखो ये इधर ओहो आधा आधा जो हमारा जो टब है वो भर गया है, अभी पानी नहीं आ रहा है, अब पानी नहीं आ रहा है और समस्या ये है कि आधे में नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो गाइस यहाँ कुछ इस तरह का आलम सुबह सुबह, अभी ऐसा लग रहा है बाल्टी से ले लेते वहाँ से ही पानी उठा उठा के नहा लेते। अभी तो मेरे को स्लोगन सूझ रहा है सुबह सुबह, परेशानियों का खजाना जलंता वेलनेस रिसोर्ट हमारा, क्या बात है गाइस। ओहो हो गाड़ियाँ दिखाओ, गाड़ियाँ दिखाओ, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है कम से कम भी 50-60 लाख की तो गाड़ियाँ खड़ी है इधर नीचे। डिज़ायर एक डिज़ायर दो डिज़ायर, वो आपके भाई की डिज़ायर कावे दादी व्लॉगर, पीछे हमारी नई वैगन वो बेलेनो लिए गाइस किसी फ्रेंड ने दो तीन दिन पहले, किया इधर किया वो खड़ी है, देखो किया थोड़ी शर्मिली है, फीमेल है ना वो शर्मिली किया। सो गाइस जस्ट अभी अभी पार्टी ख़त्म हुई है यहाँ पर और मॉर्निंग व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखें आप किस तरह की शानदार लोकेशन है, पूरा का पूरा बीहड़ है, बियाबान है जहाँ पर आप यूँ समझें कि
बिल्कुल बियाबान में ला करके आपको छोड़ दिया है, दुनिया से अलग थलग आपको ला करके पटक दिया। और एक चीज़ और, बीहड़ का बागी अगर किसी ने देखी हो तो वो उसका जो शूट हुआ है वो जस्ट सामने जो घाटी देख रहे हैं गाइस, वहाँ पर ही उसकी कंप्लीट शूटिंग हुई है। और ये जो जलंता है इसकी उपज वहीं से हुई है, मैं आपको बता दूँ। जितने भी जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अगर जब भी आना चाहें ऐसे किसी सुनसान वीरान जगह पर तो आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। यहाँ एक जनरेटर है, 10-12 कमरे हैं, 12-13 गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर ये बुद्धा लोकेटेड हैं और कुछ इस तरह का व्यू। पानी नहीं आ रहा है शैलेश भाई, क्या हुआ? पानी उसका भी बंद हो गया। पानी बंद हो गया गाइस, देखो बड़ी मतलब बहुत तकलीफ की बात है यार। सुबह सुबह का समय है, सला निवृत्त होने जाना हो किसी को तो पानी ही नहीं है अंदर। तो गाइज इस वक्त मैं आ गया हूँ बाहर और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा जलंता का ये जो रिसोर्ट है, यहाँ पर पूरा जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, आपके भाई ने भी यहाँ गाड़ी पार्क की है। और यहाँ किस तरह के अल्टीमेट व्यूज़ आते हैं, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसा डेस्टिनेशन चाहे कैसे भी हो, मिजाज सभी के अलग अलग रहे, सब ने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, लेकिन हर किसी की ऐसी यादें हैं जो यहाँ जलंता से जुड़ी हुई हैं। भले ही वो अच्छी यादें हों, बुरी यादें हों, अच्छे एक्सपीरियंस हों, बुरे अनुभव हों। मयूरेश जी मेरी तरफ आ रहे हैं, ये हमारे सिंगर हैं। हाय हाय मयूरेश भाई, बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, अच्छा एक्सपीरियंस था। बट थोड़ी कुछ चीज़ें इधर उधर होगी, चल जाता है आराम से, आओ एंजॉय करो। ऑफिस के साथ पिकनिक लिए आए थे, एक्सपीरियंस अच्छा था, खाना पीना अच्छा था, थोड़ा दूर है मुंबई से लेकिन चलता है। सो गाइस फाइनल तैयारी हो रही है जाने की, ये देखो सब गाड़ियां तैयार है अपनी अपनी मंजिल की ओर निकलने के लिए। और स्नेल बोल रही है खाना क्या अच्छा नहीं था, इधर कैमरा में बताओ, इधर पेट दुख रहा है। अच्छा ज्यादा खाया रहेगा। हाँ विकास सर है मेरे साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा विकास सर? प्लेस जो है ओवरऑल इज़ वेरी नाइस, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करूँ, सो दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क वट एवर वी हैव थॉट कि आएंगे एक्सप्लोर करेंगे। सो रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 1 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और लगभग सुबह जी सभी के यही रिव्यूज हैं ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर। सो गाइस आप विजय भाई के भी अनुभव जान लेते हैं, इनके खास अनुभव हैं यहाँ से जुड़े हुए, विशेष यादें भी हैं। हाँ विजय जी, मैं सर के साथ एग्री हूँ। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट एंड स्वीट में सलटा दिया इन्होंने। सो गाइस फाइनली आपने देखा कि हम लोग जलंता जो रिसोर्ट है वहाँ से निकल जाते हैं और हमारी जो वापस रिटर्न ट्रिप वाली जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है गाइस। और रास्ते में एक गन्ने वाले भैया मिलते हैं जहाँ पर हम लोग गाड़ी रोकते हैं कुछ समय के लिए, रिफ्रेश होने के लिए गन्ने का जूस लेते हैं। और वहीं उन भैया से जब बातचीत होती तो पता चलता है कि यार वो भी हमारे जो वीडियोज़ हैं ब्लॉग्स हैं उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो वाला क्लिप। खड़ी है वहाँ पर और हम लोग अभी यहाँ रुके हैं। मेरे साथ ये आदमी है, ये हमेशा गुस्से में रहता है, जब भी देख लो हमेशा गुस्सा इनकी नाक पर चढ़ा हुआ रहता है। क्या शैलेश भाई बोलो कुछ, ये लो। और ये जूस वाले भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? चेतन वैष्णव। चेतन जी वैष्णव हैं, बहुत अच्छा जूस बना के पिला रहे हैं हमें। कोशिश करेंगे भैया का भी व्लॉग कवर करें हम। थैंक यू भैया। स्नेहल आ जाओ, ये तुम्हारे लिए एक और दे दो। हम जब गए थे ना तब भी आपसे ही जूस पिया था हमने कल, याद है? तो ये यहाँ पर प्राकृतिक आबो हवा पूरी तरह से, गाइस पूरी हालत ख़राब हो रखी है। मैं बता दूँ आपको, आज सुबह से जब से हम लोग उठे हुए हैं तब से लेकर के अब तक
लगातार भागम भाग चल रही है, हम कभी इधर कभी उधर चलते आ रहे हैं। और मेरे साथ है मेरी गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम जिस जगह अभी रुके हुए हैं वो जगह बहुत बहुत शानदार है। यहाँ इतनी प्राकृतिक हवा चलती है दोस्तों, मतलब अगर आप देखें इस हवा का लेवल, तो मेरे जो बाल है वो बनाए हुए थे, पूरी तरह से बाल बिखर चुके हैं इस हवा के अंदर, इस कदर यहाँ हवा चल रही है। और ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मेरे जस्ट ऊपर, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं इस पेड़ को, ये कुछ इस तरह से हजारों साल पुराना ये पेड़ है। और गाइज जो मज़े हैं यहाँ पर, मतलब जो मज़े हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई सानी नहीं है दूसरा यहाँ पर। तो गाइज हमारे साथ इस वक्त चेतन भाई हैं, और चेतन भाई ने हमें बहुत अच्छा सा जूस बना के पिलाया, मस्त वाला। चेतन भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जूस था, बहुत मस्त। वो तो हमारा फर्ज है, बाय कर दो सभी को। चलो बाय बाय। अभी गाइस थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है, हम रुके हैं एक डेस्टिनेशन पर कुछ खाने पीने के लिए। और ये है स्नेहल, और हम आए हैं कहाँ पर, आए KFC फूड कोर्ट कुछ खाने पीने के लिए। भूख लग रही है, हॉल्ट लिया है थोड़ा सा, छोटा सा, दो ढाई घंटे का ना, खा पी के चलेंगे फिर। दो ढाई घंटे का तो